ये आ चुके हैं हम अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है भाई वो आती है ये हमारा माइक हेलमेट पे यहाँ पे स्टिक होता है। सो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और भाई आज मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए मोटो व्लॉगिंग सेटअप ऑन माय हेलमेट। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था भाई कि मेरे कुछ ऑर्डर्स आने वाले हैं, वो सारे ऑर्डर्स आ चुके हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। तो फाइनली आज मैं करने वाला हूँ अपने हेलमेट पे पूरा अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप का माउंट एंड ऑल जो भी है, और उसमें सब चीज आपको दिखाने वाला हूँ और क्या क्या चीज़ मैं यूज़ करने वाला हूँ वो सब यहाँ रखी है। एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें रखी हैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही रीजनेबल रेट की चीज़ें हैं सारी और बहुत बढ़िया ये पूरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप आज हमारा होने वाला है। तो बिना देरी करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। मैं पहले आपको दिखाता हूँ मेरे पास क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रखी हैं, और आपको उसमें से कुछ भी लेना हो तो भाई नीचे पूरा एक एक चीज़ का आपको लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट से यार इसी बात के लिए यार कर दो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और बाकी आपको बताइए क्या करना है। तो चलो करते हैं शुरू और मैं दिखाता हूँ आपको कि मेरे पास यहाँ पे पहले क्या क्या चीज़ें। तो यार सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है वो है अपना ये ब्लू आर्मर का माउंट, चिन माउंट कहते हैं इसे बेसिकली। ये अपने हेलमेट पे यार यहाँ लगेगा जिस पे हम अपना गोप्रो माउंट करेंगे। तो मैं इसे आपको खोल के दिखा देता हूँ फटाफट से एक बार पहले। तो भाई इसे मैं खोलता हूँ और ये आप देख सकते हैं कि ये एक माउंट है ऐसा। तो भाई ये अपने हेलमेट पे यहाँ पे स्टिक होता है नीचे चिन पे। और यार इस पे ना देखो पीछे आप देखो यहाँ पे पूरा 3mm का बहुत ही बढ़िया टेप लगा हुआ है। तो ये इतना बढ़िया स्टिक होता है ना, ये कहीं नहीं जाने वाला। तो इसे करेंगे माउंट। तब पहले मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी चीज़ जो इसके साथ बहुत ज़रूरी है यार, वो है अपना ये जे माउंट। तो यार ये आप देख सकते हैं ये मैंने एक्शन प्रो का जे माउंट मैंने ले रखा है। तो भाई ये कुछ इस तरीके से इस पे ऐसे लग जाएगा, ये देखिए आप ये इस पे लग गया है। तो दूसरी चीज़ हमें सबसे ज़रूरी है जे माउंट जो कि लगेगा ये, और उसके ऊपर फिर यार जो तीसरी चीज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तीसरी चीज़ है यार अपने एक्शन प्रो के ही एक्सटेंडर्स। तो फटाफट से मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ एक्सटेंडर्स का क्या काम होता है और ये कैसे काम आते हैं। तो भाई ये देखो दो एक्सटेंडर हैं, एक छोटा मिलता है एक बड़ा मिलता है। तो हम बड़ा वाला यूज़ कर देंगे और बड़ा वाला हेलमेट पे लगता है। देखो हेलमेट पे एक्चुअली यार थोड़ा सा नीचे होता है चिन पे, तो इसलिए हमें एक्सटेंडर चाहिए होता है गोप्रो जिससे कि हमारा थोड़ा सही एंगल दे। तो भाई जे माउंट पे यहाँ पे लगेगा अपना ये एक्सटेंडर। तो ये आप देख सकते हैं हमारी तीन चीज़ें हो चुकी हैं, हमारा चिन माउंट, हमारा जे माउंट एंड देन अपना ये एक एक्सटेंडर। तो भाई ये एक्सटेंडर इस तरीके से हमारे पास पिन आती है, तो जो कि गोप्रो में भी मिली है आपको। तो उसके साथ ये यहाँ पे पिन के साथ ये ऐसे माउंट बताता है। ये भी दिखाऊंगा अभी, ये तीन चीज़ें हो चुकी हैं, ये अपने हेलमेट पे सेटअप हो जाएगा। उसके ऊपर आप इजीली अपना ये गोप्रो, जैसे कि अपना ये गोप्रो है तो इस गोप्रो को इजीली हम ऐसे माउंट कर सकते हैं। तो अभी तो मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, ये सब मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ क्योंकि अभी मैं आपको सिर्फ चीज़ें दिखा रहा हूँ कि मेरे पास क्या क्या है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट, ये हमारा माउंट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है भाई वो आती है ये हमारा माइक। तो भाई ये है हमारा मोनो का माइक, मंगाया है मैंने ये भी अमेज़न से, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अब मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो माइक के बारे में बताने वाला हूँ ना, वो आप ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा वीडियो को, क्योंकि लोग ये बहुत गलती करते हैं और फिर लोग कहते हैं यार आवाज़ नहीं आ रही है, हमारे मीडिया मोड से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, आवाज़ नहीं आ पा रही है माइक में, आवाज़ नहीं आ रही है। तो उसका रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो भाई सिंपल सा, ये देखो यार मैंने यहाँ पे ये खोल लिया, तो यार ये अपना माइक आ चुका है। मैं इसको फटाफट से यहाँ से खोल के निकाल के आपको दिखा देता हूँ। तो यार ये हमने निकाला अपना माइक, तो देखो माइक कुछ ऐसा है। लेकिन देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है ना, ये आप इसकी पिन देखिए, आप इसकी पिन दिख रही है आपको, इसमें ये तीन पॉइंट है 1 2 3। तो भाई ये जो तीन पॉइंट वाली पिन होती है ना, ये अपने स्मार्टफोन्स में लगती है, ये अपने मीडिया मोड में कभी भी कनेक्ट नहीं होगी। मीडिया मोड में यहाँ पीछे आपको कनेक्ट करनी होती है, तो ये कभी भी मीडिया मोड में कनेक्ट नहीं होती है। तो बहुत प्रॉब्लम रहती है लोगों की, यार हमारा माइक कनेक्ट नहीं हो रहा। तो इसीलिए इसके साथ मोनो के माइक में ये फ़ायदा है, इसके साथ हमें मिलती है एक एक्सटेंडर पिन, जो आप दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं यार। इसमें एक पिन में जो माइक्रोफोन की पिन है उसमें तीन यहाँ पे वो दे रखे हैं पॉइंट, और इसमें भाई दो पॉइंट है। तो मीडिया मोड में या कैमरे में, किसी भी कैमरे में, एक्शन कैमरे में भाई ये दो पॉइंट वाली पिन कनेक्ट होती है। और सबसे बढ़िया बात की ये मोनो के माइक के साथ ही ये पिन आती है, तो हम इसे इस तरीके से करते हैं ऐसे कनेक्ट, ये देखिए, और ये लगती है फिर अपने कैमरे के पीछे अपने मीडिया मोड में। तो ये मोनो के माइक के साथ आई है, और भी माइक्स आते हैं लेकिन मैंने मोनो का मंगाया है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इस माइक की।
तो इसे भी करेंगे सेटअप। तो अभी आप देखो सब चीजें देख चुके हो कि मैंने यहाँ पे क्या क्या चीज मंगा चुके हैं। तो अब देखो सिंपल सी बात है, एक एक करके हम चीजें हेलमेट पे माउंट करेंगे। पहले हम अपना ये हेलमेट देखो, मेरा ये एक्सोर का हेलमेट है, तो इसमें मैं पहले पूरी पैडिंग हटा के अंदर माइक पूरा माउंट करूंगा अपना, और उसके बाद अपना ये ब्लू आर्मर वाला ये चिन माउंट माउंट करूंगा। तो चलो सबसे पहले हम अपना माइक माउंट करते हैं। तो भाई हमारा माइक हो चुका है फिट अपने हेलमेट के अंदर। देखो ये पूरी पैडिंग रिमूव करके, ऐसे यहाँ से ये पूरी पैडिंग रिमूव करके मैंने इसमें कर दिया है माइक फिक्स। और ये देखिए आप, ये हेलमेट के अंदर से ये पिन निकल रही है जो कि मैंने ये फिक्स कर दिया, आपको पिन दिख रही होगी। तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है, हमने अपना माइक फिट कर दिया है हेलमेट में। अब बारी आती है यार अपने नेक्स्ट स्टेप की, जो कि है यार अपना ये ब्लू आर्मर का, ये पीछे देख रहे हैं आप, ये इसे हम फिक्स करेंगे अपनी चिन पे। तो चलो इसे करते हैं फिक्स इस पे। तो यार जैसा कि आपने देखा यार, मैंने इसको इस पे लगा दिया यार, कुछ देर ना इसको पकड़ के रखना होता है जिससे कि इसकी थोड़ी सी ना ग्रिप जो है वो अच्छे से बन जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं यार, ये हेलमेट पे अपना हो चुका है माउंट बढ़िया से, अपना ये ब्लू आर्मर का आपको ये दिख रहा है ना, तो ये बिल्कुल बढ़िया से स्टिक हो चुका है और अब ये कहीं नहीं हिलने वाला है। इसे थोड़ी देर और हम अभी प्रेस करके रखेंगे ताकि इसकी पकड़ बढ़िया हो जाए, लेकिन ये ऑलमोस्ट हो चुका है। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप जो हम इसमें करेंगे। तो भाई फिर हमें चाहिए अपना ये जे माउंट, जो कि जे माउंट जाता है भाई इसमें कुछ इस तरीके से। आप देखिए ये अपना गया हेलमेट में अपना यहाँ पे ये जे माउंट, और ये जे माउंट जाके यहाँ हो चुका है बिल्कुल बढ़िया से फिक्स। तो ये देखो ये अपना जे माउंट यहाँ पे लग चुका है और ये बिल्कुल बढ़िया हो चुका है। तो अभी इसे रखते हैं थोड़ी देर साइड में और फिर इसका जे माउंट भी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो यार अब हम लेंगे अपने जे माउंट और जे माउंट में लगाएंगे यार हम अपना एक एक्सटेंडर। तो फटाफट से इस एक्सटेंडर को लगाते हैं। तो यार ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अपने जे माउंट और ये एक्सटेंडर, और ये देखो यार अपना गोप्रो हो चुका है इस पे माउंट। अब सिंपली यार हम क्या करेंगे, अपना हेलमेट उठाएंगे और हेलमेट पे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जे माउंट ऐसे करके यहाँ पे ये हमने कर दिया इस पे माउंट। और आप ये देख सकते हैं भाई ये हो चुका है सेटअप अपना बढ़िया से एकदम तैयार। अभी हम इस पे माइक भी लगाते हैं। तो यार फाइनली अपना सेटअप हो चुका है कंप्लीट। आप ये देख सकते हैं यार गोप्रो लग चुका है अपना हेलमेट पे। आप इधर से देखिए यार, ये अपना पूरा एक्सटेंडर के साथ ये जे माउंट यहाँ पे अपना ये पूरा ऐसे लग चुका है। आप इधर से, मैं दिखाता हूँ आपको यार, इधर से देखो यार ये अपना यहाँ पे लग चुका है ये माइक, और अंदर से पूरा माइक का ये सेटअप आ रहा है। तो बढ़िया से इसे हम लगा चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लग रहा होगा। तो भाई आप देख सकते हो ये कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है एकदम से यार। देखो दो चीजें होती हैं मेरे पास, एक ये वाला हेलमेट है पुराना, तो यार इस पे मैंने लगा रखा है एक्शन प्रो का यार, ये जो एक दूसरा वाला माउंट आता है जो कि हम थोड़ा ऐसे बांध के स्टिक करते हैं, तो यार ये इतना क्लीन नहीं लगता। लेकिन ये वाला सेटअप यार आप देख सकते हैं कितना ज्यादा क्लीन लग रहा है। तो देखो सेटअप हो चुका है, अब फटाफट से मैं जाऊंगा एक स्पिन मारने बाइक से और अपना मोटो व्लॉगिंग पूरा सेटअप टेस्ट करने। तो चलो भाई अब सीधे आपसे मिलते हैं मोटो व्लॉगिंग करते हुए। आ चुके हैं हम अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे और आप देख सकते हैं क्या ही बेहतरीन व्यू आ रहा होगा आप लोगों को, एंड साउंड भी अच्छी आ ही रही है। तो फाइनली अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप कंप्लीट हो चुका है, और भाई बड़े दिनों से इंतज़ार था मोटो व्लॉगिंग सेटअप पूरा करने का, धीरे धीरे करके सब चीज़ें लेने का, फिर सब चीज़ें ऑर्डर करी, फिर भाई धीरे धीरे करके सब चीज़ें आई, एंड फाइनली आज मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप कंप्लीट हो गया यार। तो मैं तो बहुत खुश हूँ यार, एंड आप लोग भी खुश हो जाओ क्योंकि अब बहुत ही बढ़िया आप लोगों को व्लॉग्स मिला करेंगे ऐसे ही मोटो व्लॉगिंग करते हुए, और बढ़िया बढ़िया रिएक्शंस भी लोगों के देखेंगे। तो भाई अब आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा, और आप यहाँ पे नेचर देखो यार कितना प्यारा लग रहा है यार, ये देख रहे हो आप। तो यार यहाँ से तो मैं थोड़ा सा घर से आगे आ गया था कि थोड़ा सा एक स्पिन मारते हैं और आप लोगों को टेस्ट कराते हैं कि भाई कैसा लग रहा है अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप। तो यार मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, अब आप लोगों से सीधे बाइक चलाते हुए करा करेंगे बात। तो ये देख रहे हो भाई लोग, ये बढ़िया रिएक्शन मिलते हैं ना भाई, तो बहुत बढ़िया लगता है ऐसे। तो यही फायदा है यार, कैमरा लगा लो और बहुत अच्छे रिएक्शन मिलते हैं भाई, लोग बहुत खुश होते हैं देख के। तो यार आई होप आपको आज की वीडियो में मज़ा आया होगा यार, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव थी। तो जिसको भी कोई भी चीज़ परचेज करनी है भाई, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है,
तो फटाफट से यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो। मिलते हैं फिर आपसे किसी अगली वीडियो में। अगली वीडियो बहुत जल्दी यार अब कोई ना कोई ब्राइड की आएगी, और अभी जैसा कि न्यू ईयर आने वाला है तो न्यू ईयर पे देखते हैं क्या सीन है। अभी तो कुछ प्लान नहीं करा है, लेकिन बहुत जल्दी कोई प्लान करेंगे, देखेंगे कोई राइड। कोई नहीं होगा तो यार सोलो चलेंगे, क्योंकि अब तो यार आप लोग हो ही मेरे साथ, कैमरा मेरे साथ है, तो अब मतलब आप लोग मेरे साथ, तो आप लोगों से बात करते हुए चलेंगे यार कहीं राइड करेंगे बढ़िया से। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर आपसे किसी नई वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय बाय।